अज्ञात प्रेमी प्रेमिका जोड़ी ने रचाई शादी। भाग कर आए एक प्रेमी प्रेमिका जोड़ी की ग्रामीणों ने बिना पूछताछ रचाई शादी। शादी रचाने के उपरांत भी लोगों ने दोनों के विषय में नहीं पूछा कोई सवाल। दोनों का पहचान रह गया गुप्त। पति पत्नी बनने के बाद भी शादी के साक्षी लोगों के लिए अज्ञात बना रहा दोनों प्रेमी प्रेमिका। शादी के साक्षी लोगों ने मुनासिब नहीं समझा दोनों की पहचान को जानना और शादी उपरांत भी दोनों पति पत्नी रहा लोगों के लिए अज्ञात बना हुआ। यह मामला कहां का है बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। शनिवार की रात्रि 10 बजे करीब एक प्रेमी प्रेमिका जोड़ी भागे भागे पहुंचा लखीसराय के सूरजगढ़ा थाना क्षेत्र के निष्ठा गांव के कैलाश धाम मंदिर में। वहां मौजूद लोगों से शादी रचाने की इच्छा जाहिर किया दोनों प्रेमी प्रेमिका जोड़ी ने। मंदिर पर मौजूद लोगों ने बिना पूछताछ किए रात्रि में ही सिंदूर की व्यवस्था कर मंदिर के गर्भगृह में दोनों प्रेमी प्रेमिका जोड़ी की रचवा डाली शादी। लेकिन मौजूद लोगों ने दोनों के विषय में कोई जानकारी नहीं लिया, सिर्फ व सिर्फ शादी रचवा डाली। सभी के जुबां से सिर्फ व सिर्फ यही निकल रहा था कि जब दोनों राजी है तो क्या पूछताछ करना, करवा दो शादी। प्रेमी प्रेमिका से बने पति पत्नी को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया और शादी के साक्षी रहे लोगों के लिए दोनों प्रेमी प्रेमिका बना रहा अज्ञात, नहीं मिल सका कोई पहचान। आपको फिर से बता दें कि यह मामला लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोलपुर पंचायत के आदर्श ग्राम निष्ठा के कैलाश धाम मंदिर, जो शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर संयुक्त रूप से है, उसी मंदिर के गर्भगृह में अज्ञात प्रेमी प्रेमिका जोड़ी की वहां मौजूद लोगों ने रचाई शादी। यह घटना बीते शनिवार रात्रि 10 बजे के करीब की है और लोगों ने दोनों प्रेमी प्रेमिका से बने पति पत्नी के साक्षी रहे लोगों ने किसी प्रकार का पूछताछ नहीं किया और शादी उपरांत दोनों के चले जाने तक दोनों के विषय में किसी प्रकार की भी जानकारी प्राप्त नहीं किया। सिर्फ व सिर्फ यही लोग कहते रहे कि जब दोनों है रजामंद तो फिर हम लोगों ने दोनों की शादी रचवा डाली। लेकिन वहां कुछ उपस्थित लोगों ने शादी करते हुए और शादी के उपरांत की तस्वीर और कुछ वीडियो अपने कैमरे के मोबाइल में कैप्चर कर लिया।